जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल ममता अग्रवाल ब्लॉग। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो मुक्तेश्वर से गुड मॉर्निंग हो रहा है आप लोग के साथ। अभी कितने बज गए हैं, 9:30 हो गया है बस। अब नाश्ता आधे लोग नीचे यहाँ पे है खाना खाने नाश्ता करने के लिए गए। मौसम बिल्कुल ऐसा क्लाउडी हो गया, मैं दिखाती हूँ देखिए मौसम कैसा हो रहा है। टियारा हेलो, बारिश हो रही है सबसे टॉप में इनका जो है ना कैंपिंग ये हाउस। ये देखो पानी भी भर गया, पानी की भी कोई कमी नहीं है। वो गांव मुक्तेश्वर का गांव बढ़िया। और ये रही दीदी। दीदी कैसा लग रहा है? ऐसी करे तो क्या फुट मजा आ रहा है ना। अब जाके वही गर्मी खानी है। चलो सैंडी ब्रेकफास्ट करते हैं। चलो रे बच्चों, ए सानू एनी चलो आओ नाश्ता करते, जल्दी आओ सानू जल्दी आओ आओ नाश्ता। ए भाइयों ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, फिर देखो कहाँ जाते हैं। सोचे थे ऊपर जंगल में जाएंगे लेकिन बारिश हो रही है। आहा ये स्टेयर ऐसे यहाँ से नीचे चल के जाना है। कल तो शाम को शूट किया था तो ज़्यादा दिखा नहीं होगा। ये झूले भी लगे हुए, कल बारिश हुई तो थोड़ा भीग गया। एक वो वहाँ पे है टेंट हाउस, और ये रहा पूरा व्यू देखे मस्त एकदम। और वो जो है ना रेड वाला दिख रहा है वहाँ पे, वो रहते हैं यहाँ के मालिक ये। और इस तरफ है डाइनिंग, मतलब किचन विचन सब यहाँ है। ऊपर है टेंट हाउस ये। यहाँ पे अब करते हैं ब्रेकफास्ट। बढ़िया हो गया मौसम, नाश्ता करते फिर जाते हैं आगे। जेनी पड़ रही है, सब लोग बैठ गए नाश्ते के लिए। ब्रेकफास्ट क्या, आलू पराठा? मुँह नहीं ले रही। प्लेन पराठा ना। तो अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने। पास में ही दुकानी वाटरफॉल है। कितना किलोमीटर है यार? 20 किलोमीटर वन साइड है भाई। एक घंटा जाना, डेढ़ घंटा जाना, डेढ़ घंटा आना। बैठ के क्या करें, चलते हैं बाहर ही खावा के आएंगे। तो ये देखो है एक मिनट। और ये एक है यहाँ पे, वो रहते हैं जो ओनर है ना इसके रिजॉर्ट के, वो है यहाँ पे वो रहते हैं। और ये देखे पूरा मुक्तेश्वर का गांव। ये आगे आगे दीदी और भाई सब लोग जा रहे हैं, बच्चे आगे, सब मेरे को पीछे छोड़ दिया। बड़ा लेकिन ठंडा ठंडा अच्छा हो रहा है। अभी ऊपर चढ़ के आना पड़ेगा फिर से। वो बच्चे सैंडी और कौन सा वाला, हाँ वही। आप लोग जब आए तो बिल्कुल हवा चल रही थी ना उस टाइम, इसीलिए हाँ। वो देखो यानी जानी यो 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 देखो बढ़िया कू कू कोयल की आवाज। एनी जाना स्कूल है। चले भाई घूमते हुए टहलते हुए
जाते हैं। अच्छा लग रहा है, खुद ही अच्छा लग रहा है। खुद की तारीफ करनी चाहिए ना कभी, क्यों खुद की तारीफ करनी चाहिए ना खुद। वाह, अन्वेषा और अन्वी, मजा आ रहा है, चिल चिल हो रहा है, बढ़िया। जंगल ही जंगल, ये देखिए रास्ता, चढ़ाई वढ़ाई नहीं है, सीधे सीधे रास्ता है ऐसा। यार वो देखो नीचे कितना खतरनाक लग रहा है ना। वैसे ना ऐसे वीडियो में देखने में लगता है, लेकिन काफ़ी चौड़ा सड़क है और नीचे नीचे खाई है। चलिए ये अभी वीडियो शूट करते हुए, ये देख वो आराम से है, आराम से। ए बाप रे, या पूरा मस्त है, बढ़िया एक्सरसाइज फुल कर दिया आपने। ये देखो लो नीचे पहुंच भी गए, गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, चलो नीचे देख। ए आ जाओ, आओ चलो ऊपर पहाड़ों से चढ़ के अब हम नीचे रोड में आ गए, जहां हम लोगों ने गाड़ी पार्क किया था। यस आंटी का ढाबा, हट्टा है नहीं, नहीं हट्टा बेटा, ये आंटी का ढाबा। ये देखो नाश्ता क्या क्या है यहाँ पे, सब मिलेगा यहाँ पे। चाय भी बहुत टेस्टी था, कॉफी भी अच्छी थी। चाय कॉफी बढ़िया। सही है, देखो यहाँ आंटी के ढाबे में सब खाना मिलेगा। वो जगह भी बढ़िया है गाड़ियां पार्क करने का। हम यहाँ से ऊपर से चढ़ के इस पहाड़ के पीछे है हम लोग का, जहाँ हमारा टेंट हाउस था ना, वहां से नीचे आके भटेलिया गांव आता है। भटेलिया गांव से आगे इधर पे है, क्या है इसका नाम जैना, क्या है नाम इसका, निर्वाना ऑर्गेनिक किचन। निर्वाना ऑर्गेनिक किचन, एक मिनट दिखाती हूँ मैं आप, यहाँ पे आए निर्वाना ऑर्गेनिक किचन करके है, मतलब बहुत सारे हैं इधर। इन लोग को अगर जैसे कुछ भी पिज्जा बर्गर पता नहीं क्या खाना है कह रहे हैं लोग, ए उधर दौड़ो नहीं तो अच्छा है। ये थोड़ा सिटी से दूर, थोड़ा सा शांत एरिया में, बढ़िया के लोगों ने ना ऐसे आधे में घर, ऊपर छोटे छोटे रिजॉर्ट टाइप का रहने का बना रखा है। गोल्डन पीक, गोल्डन पीक करके है वो, देखिए गेट अवे, ये बिल्कुल शांत लगा। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा चेंज नैनीताल मसूरी से यहाँ हटके, शांत बिल्कुल, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, ठीक ठीक है बिल्कुल। एक कितना बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ पे जाते हैं, थोड़ा लंच वंच करते हैं, बच्चों को थोड़ा कुछ खिलाते हैं, लंच करते हैं, चलो फिर खाते हैं, खाते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। देख के प्लांट देखना कितना बढ़िया हो रहा है, वहाँ तो दिल्ली में तो झुलस रहा है। ये देखो गुलाब के फूल, अरे ये कैसा गुलाब है यार, ये देखो सिंगल वाला है, कैसा है ये देखो, ऐसे वाला। ओ वाह, ये दीदी ये फूल लेंगे, ये गुच्छे गुच्छे, हाँ देखना क्या बढ़िया, देखा है नहीं जेनी, ये
बढ़िया वहाँ भी, अरे वहाँ भी देखते हैं कुछ। चलो रोज देखना, यहाँ भी बाहर ऐसे बैठने का है और अंदर बस। अब यहाँ से थोड़ा आगे जीरो पॉइंट करके जगह है, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बढ़िया छायादार पेड़ है। फिर स्टंप हो गया हमारा, जहाँ दो बार आउट हो गया, एक बार बॉल लगी वो है ना टेंट हाउस कैंप, वहाँ से अब कितना है थोड़ा सा, एक दो किलोमीटर है। यहाँ चाय पानी पीते हैं, थोड़ा रुके हैं, बच्चे खेल रहे हैं। आउट या यहाँ पे कितने साल का? अच्छा मैं सोच रही हूँ चाय पी रहे हैं, मुझे लगा यहाँ पे चाय पीने के लिए आ रहे। ये तो ये देखो लकड़ी का कितना बढ़िया बना रखा है ये वो किचन, ये भी कुछ वो होगा शायद मेरे ख्याल से रिजॉर्ट टाइप का ना, खाना वाना बनाओ अपना रहो। कितने बेडरूम है, एक दो तीन चार बेडरूम है जंगलों के बीच में। मैं कह रही हूँ यहाँ पे चाय पीना है। मैं बोल रही हूँ चाय पीने के लिए आ रहे हैं यहाँ तो, ये देखने के लिए ये पूरा बना हुआ है। ये बिल्कुल मुक्तेश्वर गांव से दूर, और अन्वेषा मजा आ रहा। ओह आई एम सो सॉरी यार, फोटो खींच रहे हैं लोग। ये चलो ब्रो चलो, मार देगा वो, क्यों मारेगा? सिंह देख रहे हैं, सिंह का है ना देख रहे हैं। करेक्ट 7 o'clock। हाँ जी यो 7 बज गए हैं और हम जा रहे हैं वापस अपने टेंट हाउस में। तो आगे आगे चले गए और हमारे बच्चे आयुष्मान अन्वेषा आगे जा रही है, अनवी और दीदी लोग, इन लोगों ने टियाना लोगों ने हमें पीछे छोड़ दिया। मैं रुक रुक के आ रही तो ये बच्चे मेरे साथ आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। सांस फूल लिया यार भाई, वो फें 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 हो गया बिल्कुल, नहीं चल के नहीं चल के ना। लेकिन पता है मुक्तेश्वर में आप लोग आओगे बहुत सारे रिजॉर्ट हैं, है ना यानी कितने सारे हैं, आपको घर कम दिखेंगे, छोटे छोटे कॉटेज से रिजॉर्ट होटल बहुत बने हैं आराम से। लेकिन जो ये हम लोग का बना हुआ है बिल्कुल टॉप पे, एकांत पे है। अब बाजार में तो रहते ही है ना, ऐसे होटलों में तो हम लोग आगे पीछे रहते हैं। इसका क्या है कि नीचे गाड़ी पार्क करने का है और वहीं पे मैंने आंटी का ढाबा दिखाया था ना वो है, बस चाय वाय पियो वहाँ से, फिर थोड़ा सा चढ़ाई ऊपर चढ़ो, फिर पैदल आओ, फिर जाके आराम से अपने टेंट हाउस में पहुंच जाते हैं। मस्त शांत, बिल्कुल कोई गाड़ी की आवाज नहीं, कुछ नहीं, हल्ला गुल्ला कुछ नहीं। हाँ अगर किसी को नेटवर्क की भी दिक्कत नहीं है, वाईफाई है, सब कुछ है, तो सब जो है चलता है। कोई अगर जैसे किसी का घर से ही ऑफिस का काम है, आराम से अपना छुट्टियां लेके यहाँ पे चिल मार सकते हो आप लोग। अभी 7 बज रहे हैं, खाना आज हमने बोला है दिन में काफ़ी हैवी हो गया था, बटर चिकन ये सब बच्चों ने पिज़्ज़ा पास्ता खाया, तो हमने अभी सिंपल सा अरहर की दाल और चावल और आलू की चटपटी सूखी वाली सब्जी बोला है। तो बस अब जाते हैं, फिर थोड़ा फ्रेश होके
आराम से बैठेंगे। हाय आयुष्मान मेरे व्लॉग में ही ये खौर 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 सब कर देता है। चलो ये नेचुरल चीज़ है, इसको काट भी नहीं सकती मैं, कोई बात नहीं। क्यों बेटा है खांसी तो आएगी, क्यों क्यों काटना है कोई जा। ओ, 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 ओ दोनों बाप बेटी वहाँ बैठे हैं, ये देखो ये देखो पापा बेटी हमसे आगे आगे थे, टियाना और पापा जी यहाँ पे बैठे। टियाना अच्छा लग रहा ना, क्या चीज फोटो। चलो ये देखो आपने फोर्स किया है उनको आपकी फोटो खींचने के लिए। इसमें हमने आयुष्मान के बैग में स्नैक्स भरा हुआ है, रात को उस पन्नी में अनवी बैग में वो ले जा रही है हमने। देखो ये क्या बोलते हैं यार इसको, मूल है हाँ। अच्छा ये बच्चे लेके आ रहे हैं, ज्यादा ऊपर मत जाओ रे, बस जेना आ जाओ। मेरा तो मन कर रहा है यार धरी रह लूं, है सच्ची कह रही हूँ। मैं एक और था, मैं ढूंढती थी, बस हो गया। उज्जैनी गुप्ता के पास थैले में डाल दो, आ जाओ कोई बात नहीं, आओ आगे देख लेंगे। तुम लोग तो मेरे ब्लॉग में सब खू खू खा खा की खा खा टट्टी पट्टी सब कर दो। चलो चलो भाई चलो ये खच्चर की टट्टी पकड़ देना, बुद्धि पकड़ दे तो क्या हो गया। चलो आप मर्चेंट नेवी नहीं हो चलो डॉक्टर अन्वेषा। वाव ठंडी ठंडी तुम का भगवान प्रभु। हम लोग पहुंच गए हैं टेंट हाउस में। देखो जी आयुष्मान गर्ब्याल चढ़ गया, बचपन भी जी लिया दीदी, आज तो बहुत कुछ कर लिया बोलो नहीं, और एक बहुत कुछ कर लिया वो हम नहीं बताएंगे वो सीक्रेट है, वो हम बता नहीं सकते बहुत कुछ नहीं 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 दिल में नहीं डालूंगी मैम, बहुत मजा आ गया। और अन्वेषा बात करते हैं, और आप हैं हमारे ऋषि जी यहाँ के ओनर, ये मेरे व्लॉग में आएगा। हाँ जी तो ये है आप है ऋषि जी, दिल्ली के हैं ना आप, हाँ दिल्ली के हैं। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पे, अच्छा लगा। तो जो भी व्लॉग देख रहे हैं कोई अगर आना चाहे तो मैं नंबर दे दूंगी ऋषि जी का, आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे है ना। और कुछ बताना चाहेंगे आप? बड़ी अच्छी जगह है, आप पीसफुल है थोड़ा सा और एकदम हिल टॉप पे है तो बिल्कुल हाँ अलग से हटके है, जरा ट्रैकिंग थोड़ा सा करना पड़ता है हाँ। बाकी आप लोग जानते हैं हाँ, नहीं सच में बहुत अच्छा है, 10/10 सब कुछ। 48 टेम्परेचर है और यहाँ 17/18 वही बिल्कुल। देखे वो नीचे सा उधर पूरा रामनगर वो सॉरी मुक्तेश्वर का गांव, और यहाँ टॉप में ऊपर वहाँ पे अल्मोड़ा भी है। अच्छा उधर ओके, और यहाँ पे ऋषि जी रहते हैं इस वाले में ना, ये आपका ना आप यहाँ रहते हैं, और ऊपर मैंने दिखाया था वहाँ पे 4-5 बने हुए कॉटेज। वर्मा ब्रिज वो मैं कल सुबह करूंगी। नहीं उन्हें बोला हार्नेस है, उन्हें बोला हार्नेस है, हार्नेस मैं तो करूंगी, हार्नेस है आप भी कर लेना, हेलमेट है सब है। अच्छा नीचे वो डंडे वगैरह के गिरेगे तो डंडे पे गिरोगे? नहीं 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 कहीं नहीं गिरोगे आप, हार्नेस लगा हुआ है वो एकदम स्लाइड करके, जैसे माउंटेन से माउंटेनियरिंग नहीं होती वो एकदम स्लाइड करता हुआ रस्सी पूरा आ जाता है।
और आसपास इधर ऋषि जी, और आसपास इधर क्या क्या बता दीजिए जो वाटरफॉल, अभी तो नहीं है लेकिन बाद में काफी सही। एक नीचे वागसू वाटरफॉल है, एकदम नीचे जाकर रिवर के पास वो वाटरफॉल है, वहाँ पे लोग पूरा रात स्पेंड करने के लिए जाते हैं। अच्छा। टेंटिंग लगा कर अपना खाना वाना वही सब कुछ करके। और आगे एक 20 किलोमीटर में दुकानी वाटरफॉल है और एक और लोकल वाटरफॉल है यहाँ पर, और पर वो सूखा हुआ सारा, सूखा हुआ। अच्छा, ठीक है। मई जून में वो सूख जाता है, बाकी बारिश में वो आ जाता है। हाँ, लेकिन इतनी ठंडी हवा चल रही है अभी, और गाड़ी खड़ी करने का नीचे ही है वहाँ पे, मतलब कोई रिस्क नहीं है, है ना? कोई रिस्क। हाँ, तो ऋषि जी की गाड़ी भी नीचे खड़ी रहती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप गाड़ी नीचे खड़ी करके ऋषि जी दो बच्चे उनको भेज देते हैं, लड़कों को सामान वामान ले आते हैं, तो आराम से जो है आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, अच्छा रहा। तो बढ़िया, चढ़ भी गए ऊपर फुल, अब नहा के बस अब आराम से जो है जाके चेंज करेंगे, उसके बाद जो है बैठेंगे। अभी भी कितना 7:30 से ज्यादा हो गया, देखो उजाला ही है अभी भी, देख रहे है ना, 7:35 हो गया। हाँ, ऋषि जी ने यहाँ पे ब्रिज भी बना रखा से। अच्छा, ये ऋषि जी ने जो है यहाँ से क्या बर्मा ब्रिज रखा नाम, ये देखो सीधे बर्मा पहुंच जाएंगे ना इस ब्रिज से जो है सीधे ऋषि जी हमको बर्मा पहुंचा देंगे तो यहाँ से चढ़ते हुए अभी तो देर हो गया, कल बच्चे ट्राई करेंगे। तो ऐसा है, तो भाई जो भी व्लॉग देख रहे हैं अगर अच्छा लग रहा है तो आइएगा जरूर, बहुत बढ़िया नजारा देखे सामने चंदा मामा, और ये रहा पूरा मुक्तेश्वर का गांव, पहाड़ पहाड़ हर पहाड़ में पूरा बसा हुआ है, वो सामने भी देख रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे रिजॉर्ट है, बहुत सारे, लेकिन ये वाला क्या है, बिल्कुल टॉप में है, एकांत में। आपको चल के भी आना है, थकाई भी लगेगी, इंजॉय भी करोगे, बड़ा मजा आएगा। तो जो भी व्लॉग देख रहे हैं जरूर आइएगा, ऋषि जी से कॉन्टेक्ट करेगा, अच्छा अरेंजमेंट है। चलो भाई आप चलते हैं, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ये पहुंच गए हम अपने टेंट हाउस में, ऊपर टेंट हाउस, नीचे डाइनिंग हॉल, किचन। जाते हैं अब, पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है, देखो जहाँ जहाँ पानी है। हाँ बेटा, मस्ती, फुल ऑन मस्ती, फुल एंजॉय किया। हाँ, क्यों यार, पूरा ठंडा ठंडा, कूल कूल, मजा आ गया। ओ, मतलब खाना हम खा भी रहे हैं ना, तो खाना पच भी रहा है, दिन में खूब खाना खाया, पेट दबा डम करके, और खाना हमारा पच भी गया, बहुत कुछ खाया और शॉपिंग भी करके आए। बढ़िया आ रहा है, देखो बढ़िया आ रहा है, बोन फायर। नहीं उठा भाई, ये देखो जी खाना वाना खा लिया, बोन फायर कर लिया, अब हम लोगों ने चलो कर रहे हैं। ये देखिए ऊपर चंदा मामा, वाह। चलो दीदी अंताक्षरी खेलते हैं, चलो चलिए टीम बनाते हैं, टीम बनाते हैं, आइए क्या इधर आइए। जून के महीने में ठंड बढ़िया, लोग धूप से गर्मी से, हम यहाँ आग सेक रहे हैं अभी फिर जाके हम आग सेक रहे हैं। नहीं, अब दिल्ली जाके वापस वही आग सेकना है। आहा, बढ़िया, देखो पैर भी गरम हो गए। यस, स्टार्स, अब हम खेल रहे हैं अंताक्षरी, दो टीम, जवानों और बुढ़े लोग का। हाँ चानो
बुड्ढे नहीं, टीनेजर्स और जवानों का है, बच्चे और यंग लोगों का। चलो हम यंग लोग और हमारे बच्चों का। चलो टीम शुरू करो, अंताक्षणी लेकर हरि का नाम। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। चलो मौसे, चलो एनी, टिक टिक वन, टिक टिक टू, चलो मौसे, मौसे गाओ जल्दी। हाँ जी, तो बस यार सुबह का क्या हुआ ना, दुकानी वाटरफॉल जाता है करके मैंने बोला था ना वीडियो में आप लोगों को, लेकिन हम लोग वहाँ गए नहीं क्योंकि हम लोगों ने पता किया तो वहाँ पे पानी बिल्कुल सूखा हुआ था और डेढ़ घंटे जाना डेढ़ घंटे आना और वहाँ पे थोड़ा बहुत रश होगा करके भी सुना। तो फिर हमने कहा जाके कोई फ़ायदा नहीं, इससे तो हम बाहर घूमे, बच्चों ने खाना वाना खाया उनके मनपसंद और जंगलों में ही हम लोगों ने घूमा। घूम के टाइम से हम लोग घर आ गए। उसके बाद घर में आने के बाद डिनर करने के बाद बच्चे लोगों ने कहा कि हमें तो बॉनफायर करना है, लाइट सारे ऑफ कर दिए इन लोगों ने और बस फिर हम सब ने मिलके जो है अंताक्षरी खेला, खूब इंजॉय किया। तो अगर आप लोग को भी ऐसे ही पीसफुल जगह में आना है तो ज़रूर आइएगा, मैंने नंबर दे रखा है यहाँ पे। तो बस यार वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल में कोई फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सबसे बड़ी बात हमेशा पॉजिटिव रहिए।